हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेंट्रल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिटेल्स हम कवर करते हैं टेट मैंडेटरी नहीं रहेगी और फ्रेशर्स uh, भी एलिजिबल हैं आगे पूरी डिटेल कवर करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं सेंट्रल स्कूल्स में एक स्कूल में नहीं है एक से ज्यादा स्कूल्स में है टीजीटी इंग्लिश है टी हिंदी संस्कृत टीजीटी मैथ्स फिजिक्स टी सोशल साइंस टीजीटी आर्ट इसके अलावा फिर पोस्ट जो है वो है पीआरटी के, के लिए तो पी के लिए हैं और इसमें पीआरटी के लिए डीएलएड वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं ट्वेल्थ पास होने के बाद डीएलएड है या फिर बीएलएड है या फिर डीएड है या फिर बीएड है चारों तो केसेस में एप्लीकेशन डाले डीएलएड बीएलएड डीएड बीएड चारों भी केस में एप्लीकेशन कर सकते हैं और बाकी टीजीटी के पोस्ट्स हैं जिनमें कि ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद में बी चाहिए आर्ट के लिए बी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब ये नोटिस कहाँ से रिलीज़ की गई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स तो हैदराबाद हाँ में जितने भी एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स हैं वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है ट्वेल्थ मे को रिलीज की गई है नोटिफिकेशन एंगेजिंग टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस स्लैश पर पीरियड बेसिस मीन्स लेक्चर बेसिस पर पेमेंट होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिक्स सैलरी पर मंथ दी जाएगी हैदराबाद फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 तो वन एकेडमिक ईयर मतलब वन ईयर के लिए है ये एटॉमिक एनर्जी स्कूल डीएई कॉलोनी एसीआईएल पोस्ट हैदराबाद फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर Only shortlisted candidate will be called for written test and those who qualify in the same will be eligible for skill test. Teacher ke के लिए skill test hoti होती है class ko को वो बोलते हैं स्किल टेस्ट तो रिटर्न टेस्ट होगी वो भी जो शॉर्टलिस्ट होंगे क्योंकि जब एप्लीकेशन डालते हैं तो एक स्क्रूटनी होती है स्क्रूटनी के बाद जो शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको ही सिर्फ आजकल रिटर्न टेस्ट के लिए इन्वाइट किया जाता है ई के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू टेम्पररी बेसिस पर है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी क्योंकि पीआरटी में तो सभी एप्लीकेशन डाल सकते हैं बीएड वाले डीएलएड वाले बीएलएड वाले तो जो भी आपके पास एप्लीकेशन अगर हैदराबाद के लिए आप डालना चाहते हैं टेम्प्ररी बेसिस पर है वन ईयर एकेडमिक ईयर के लिए और इसमें जो एज लिमिट है वो टीजी टी के लिए 26,250 पर मंथ फिक्स दी जाएगी या अगर लेक्चर बेसिस पर आपको पेमेंट की जाएगी मींस जितने लेक्चर हैं उतने ही देर के लिए आपको रुकना होगा ये भी अच्छा ऑप्शन है आप अगर केंद्रीय विद्यालय परमानेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिशन या किसी भी चीज डी डी ट्रिपल एस बु भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिप्रेशन करें तो लेक्चर बेसिस वाला भी ठीक है फाइव डेज फाइव लेक्चर्स वन डे में मैक्सिमम रहेंगे टू तो अगर मैक्सिमम फाइव लेक्चर्स रहते हैं तो फाइव टू वन थाउजेंड रुपीज़ पर डे आपको पेमेंट हो जाती है 45 इयर्स ईयर्स अपर एज लिमिट है मींस 45 इयर्स ईयरस एंड बिलो वाले कैंडिडेट टीजीटी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं फोर्टी ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट पीआरटी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं पीआरटी के लिए अगर फिक्स सैलरी दी जाएगी तो ट्वेंटी वन थाउजेंड पर मंथ या फिर वन सेवेंटी पर लेक्चर एज में अपर एज में रिलैक्सेशन है विमेन कैंडिडेट ऑल विमेन कैंडिडेट टेन ईयर्स एस सी और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉम्स एज में रिलैक्सेशन है कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन एंड ऑल फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर्म डाउनलोड कर लेनी है इन ऑफिशियल इन में से वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ऑफिशियल वेबसाइट में से किसी एक से जाके आपको uh, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसकी एंड ड्रॉप इट विद कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन द बॉक्स प्लेस डेट ये एड्रेस नोट डाउन कर ले इसी एड्रेस पर इसी एड्रेस uh, पर जो बॉक्स रखी हुई है ड्रॉप बॉक्स इसमें जाके ट्वेंटी फोर्थ से लेके कर ट्वेंटी एट्थ तक आपको जाके ड्रॉप करना है एंड ड्रॉप इट विद कॉपीज ऑफ तो एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म तो ये ऑफिशियल वेबसाइट वन ऑफिशियल वेबसाइट उसमें चार पांच लिंक दिए हुए थे मैंने आपको भी दिखाया चार पांच में एक मैंने ओपन किया वेबसाइट में से एक एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल टू हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट को जब ओपन करते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये एंगेजिंग टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस इन ए स्कूल्स मतलब हैदराबाद में जितने भी अटोमिक एनर्जी स्कूल्स हैं सभी के लिए ये एडवर्टीजमेंट है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है फोटो कॉपीज मतलब टेन ऑनवर्ड जो भी पासिंग एंड पासिंग सर्टिफिकेट और एक होती है मार्कशीट वो दोनों ऑनवर्ड्स अभी लेटेस्ट जो भी आपके पास है टेन से लेके वहां तक लेटेस्ट सर्टिफिकेट तक की फोटो लेटेस्ट फोटोग्राफ ये सारी चीजें अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ड्रॉप बॉक्स एडवर्टीजमेंट में एड्रेस दी हुई इसमें जाके ड्रॉप कर देना है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी आप सबको बेस्ट विशेष थैंक यू वेरी मच